सब बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ फिनाकल में। अगर हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन करके मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का LPP लिनियर प्रोग्रामिंग, जो आपको ग्राफ का आता है, आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है 12 एग्जाम में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि लिनियर प्रोग्रामिंग से कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसको मैं आपको ग्राफ की कॉपी पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में जो आपको बताया था वो अगर आपकी कॉपी पर नहीं था, शायद आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको ग्राफ की कॉपी पर आपके सामने खींच कर दिखाऊंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू आपको प्राप्त करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमाइज जेड बराबर -3x + 4y, और सब्जेक्ट 2 दिया है x + 2y लेस और इक्वल, x + 2y लेस और इक्वल 8, 3x + 2y लेस और इक्वल 12, और यहाँ पर है x > 0, y > 0। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि आपको z = -3x + 4y पर क्या करना है, मिनिमाइज न्यूनतमकरण, मिनिमाइज मतलब न्यूनतमीकरण वैल्यू पे आपको करना है। और आपको दो इक्वेशन दिया है, एक दिया x + 2y लेस और इक्वल 8, 3x + 2y लेस और इक्वल 12। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन चलते हैं कि गिवेन गिवेन डैट x + 2y लेस इक्वल 8, तो इसको हम इक्वल लिखते हैं, x + 2y = 8 लिख देते हैं, ठीक। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x = 8 - 2y, या x ही है या प्लस में क्या गया -2 है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लिखेंगे, ठीक। एक ग्राफ लेकर इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर इस y की जगह पर अपने मन से कोई वैल्यू पुट करिए। तो y की जगह पर अगर हम क्या रखते हैं, y की जगह पर 2 रखते हैं, 2, तो 2 2 = 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। अगर इस y की जगह पर हम 3 रखते हैं तो 3 2 = 6, और 8 में से 6 गया 2, ठीक। नाउ फिर दिया है 3x + 2y लेस इक्वल 12, यहाँ पर दिया है कि 3x + 2y लेस इक्वल 12। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3x + 2y = क्या 12, हो जाएगा 3x = 12 - 2y, x = 12 - 2y बटा कितना हो गया 3। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर इस एक्स उस वाई, यहाँ पर वाई है, इस वाई की जगह पर हम वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो 2 × 0 = 0, 12 में से 0 = 0 / 3 = 4 जाए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब इसके जगह पर हम वाई की जगह पर 3 पुट करते हैं, 3 2 = 6, तो 12 में से 6 के कितना हुआ, 6 6 / 3 कितना हुआ 2, ठीक। इसका भी हो गया, इसका भी गया, लिख लिए। सो लेट पॉइंट पॉइंट ए बराबर मान लिए 4,2,
बी हम क्या मान लिए, 2,3। सी हम मान लिए, सी मान लिए 4,0। और डी मान लिए क्या, 2,3। ठीक, अब इस पॉइंट को लेकर, इस पॉइंट को लेकर हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पे करना है, ड्रॉ करना है। किस चीज पर, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ए का पॉइंट 4,2, बी पर 2,3, सी पॉइंट है, यह सी है, सी पॉइंट के 4,0 और डी का क्या है, 2,3। इसको हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लिया और ये यहाँ पे एक यूनिट को मैंने एक माना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक माना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको लेकर हम क्या किए, x x x डैश x x डैश और y y डैश पे मैंने क्या किया, खींच लिया। अब हमारा दो पॉइंट था। अब हमारा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट है हमारा क्या, 4,2। पहला पॉइंट है 4,2, तो हमको लाना है 4, यहाँ से आएंगे 4 और यहाँ से आएंगे 2। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 4,2, तो यहाँ पर आएगा 4,2। ठीक, हमारे यहाँ कौन सा पॉइंट है, ए है, 4,2। दूसरा पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 2,3, तो 2 इधर से 3, तो यहाँ पर आएगा 2,3। ये हमारा पॉइंट है क्या, बी। अब इसको हम क्या क्या पड़ेगा, इसको स्केल से लेकर क्या करेंगे, ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको इन दोनों पॉइंट को स्केल से क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस ए और बी पॉइंट को मैंने क्या किया, एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमारा चौथा जो पॉइंट था वो भी है 4,0। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, 4,0 लाना है, 4,0 4,0 चौथा पॉइंट लाना है। तो चौथा कहाँ आएगा, 4 इधर से पढ़ जाएंगे, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 4 है, 4 और 0 इसी पर आ जाएगा, तो 4,0। ठीक, ये गलत हो गया, 4,0 यहाँ पर नहीं होगा। तो कहाँ पाएगा, 4 है ना, तो या एक्स है या क्या है, वाई है, तो x,y, तो हमको क्या आंसर पड़ेगा, एक्स पर। तो 4,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 4,0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या है, सी पॉइंट है। और डी पॉइंट में आपका है 2,3, डी में क्या लेना है, 2,3, तो डी में 2,3 यहीं पर आ रहा है, इस पर भी डी आ रहा है, अब यहाँ पर भी डी आया है और यहाँ पर क्या है, 4,0 है। अब इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो एक से भी मैंने क्या किया, मिला दिया, सी पॉइंट हमारा था 4,0 और डी पॉइंट भी क्या था, 2,3, यहाँ पर बी भी है और यहाँ पर क्या है, डी भी है। ठीक, अब हमको क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, कौन सा एरिया में हमारा आएगा, किधर हमारा सेलेक्ट होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था, देखिए हमारा इक्वेशन था, यहाँ पर हमारा इक्वेशन दिया था, क्या दिया था, x+2y < 12 कितना, 0। तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे, 0,0 पॉइंट लेंगे। तो अगर हम 0,0 पॉइंट लेकर, या x है या y है, यानी x = 0 और y = क्या, 0, लेकर इसमें पुट करते हैं, तो एक्स यहाँ पर क्या आएगा, 0 + इस y/2 × 0, तो 2 × 0 < 8, 0 या 0 = 8। यह कंडीशन सही है, 0 जो है 8 के, 0 जो है
एट के बराबर और एट से छोटा है, जीरो जो है बराबर के बाद छोड़िए, जीरो जो है एट से क्या है छोटा है, एस मात क्या है सत्य है। जीरो जो है यहाँ पर बोला है कि जीरो जो है एट से क्या है छोटा है, यह सत्य है, तो जब यह सत्य हो जाएगा यहाँ पर सत्य है, फिर 0,0 एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। अब इस इक्वेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा 3 × 0 + 2 × 0 = 12, 0 जो है इतना आएगा आपका, तो यहाँ पे क्या है 0 जो है 12 से क्या है छोटा है, ये भी बात क्या है सत्य है। तो जब दोनों सत्य आएगा ना, जब दोनों सत्य आएगा तो यह आपका एरिया जो है इधर आएगा, जब सत्य आता है तो एरिया कहाँ आएगा नीचे की ओर आएगा। तो पहला हमारा इक्वेशन कौन था, पहला हमारा इक्वेशन था यह, पहला इक्वेशन था ना, तो हमारा एरिया किधर आएगा इस लाइन से नीचे आएगा, इस लाइन से नीचे। और दूसरा भी हमारा क्या है सत्य है, दूसरा भी जब सत्य है तो इसका एरिया भी कहाँ आएगा इस लाइन से नीचे की ओर आएगा। तो इसका एरिया जो है इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और इसका एरिया जो है इधर आ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या हो रहा है, दोनों का कॉमन साइडेड यही तो हो रहा है, दोनों का कॉमन साइडेड यही हो रहा है। तो हमारा पॉइंट बनना है, एक पॉइंट आ रहा है 4,0, एक आ रहा है 2,3, ये और एक आ रहा है यहाँ पर 0,4 और एक आ रहा है 0,0। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, ठीक, कॉर्नर पॉइंट में क्या क्या है 4,0, एक क्या आया है 2,3, एक क्या आया है 4,0, ये तो 0 है ना, 0,4 और एक है 0,0, 0,0। और हमको लिखा है जेड बराबर, जेड बराबर क्या दिया था हमारा, जेड बराबर दिया था मिनिमाइज में -3x + 4y, जेड बराबर -3x + 4y, यही हमको वैल्यू क्या करना है पुट करना है। तो जेड बराबर क्या दिया था -3x + 4y, ठीक। अब यह एक्स है, यह क्या है वाई है, तो एक्स जब पर 4 भरेंगे, इस एक्स जब क्या करेंगे 4 भरेंगे, एक्स जब क्या भरेंगे 4 भरेंगे, तो 4 × 3 = 12, -12 और 0 × 0 खत्म हो गया, 2 × 2 = 6, -6 और 3×5 = 12, तो 2 × 3 = 6 -6 प्लस और 3×4 = 12, तो 6 कितना हो गया 6, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और 4×4 = 16, 0 0 0, तो भी क्या हो गया 0। तो हमको बोला है क्या मिनिमाइज, मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब क्या होता है न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ मिला, -12 है कि 6 है कि 16 0 है, तो न्यूनतम वैल्यू क्या हुआ -12 हुआ ना, क्या हुआ 12, तो हमको मिनिमाइज मिला, न्यूनतम ध्यान, न्यूनतम मान बराबर क्या मिला -12 मिला, किस बिंदु पर, बिंदु बिंदु किस बिंदु पर मिला 4,0 पर, 4,0 पर हमको क्या मिला न्यूनतम मिनिमाइज मिल गया। तो सेम टू सेम इसी तरह आप क्या कीजिएगा अपने एग्जाम में, पहले सॉल्व कर लीजिएगा और इसके अगर आपको क्वेश्चन एरिया के लिए, एक बात ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पर 0 0 पुट करें हैं,
यहाँ पर जो मैंने क्या किया है 00 यहाँ पर जो पुट किया है, तो अगर यह सत्य है, यह सत्य है तो जिस लाइन को तो इस लाइन की ओर एरिया होता है, अगर यह असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा असत्य होगा, तो एरिया आगे की ओर जाता है, दो पार्ट में होता है। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सत्य हो गया है तो इधर आया है, फिर यह भी सत्य हो गया है तो इधर आया है, तो दोनों को कॉमन एरिया कौन आया, यही एरिया आया है, और जहाँ पर एरिया तो उस पर कॉमन, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जिस कोना पाता है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और जेट वाला जो जो मिनिमाइज दिया था उसे पुट करेंगे, देखेंगे किस पर मिनिमाइज किस पर अधिकतम पाता है। तो ठीक इसी तरह आप क्या कीजिएगा, अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स बाय वॉचिंग।